हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दस्तक अकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी फिर से टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन सारे रिलेट हैं, सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के परीक्षा में गाइस पूछे जाते हो। ठीक है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहो। लास्ट में आप सभी से गाइस एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो चलिए हम सभी देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं मैंने, जो पिछले कई वर्षों से गाइस क्वेश्चन आप सभी के परीक्षाओं में, जैसे रेलवे एंड पीसी ग्रुप डी में कई बार एक क्वेश्चन गाइस पूछे गए। ये पार्ट नंबर 15 है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना पहला। आप सभी गाइस चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और गाइस जुड़ जाओ। ठीक है, देखिए गाइस क्या क्वेश्चन बनना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई गाइस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट करते रहिए। ठीक है, जिससे कि आप सभी के डाउट क्लियर होते जाए। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में गाइस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखिए, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया गाइस, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया, जानिए आप सभी। सेकंड का राइट है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने। बी राइट यहां पर बनना है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है जी फ्रेंड्स। देखिए 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, 1857 का विद्रोह गाइस कहाँ से प्रारंभ हुआ था। थर्ड का राइट है मेरठ से, कहाँ पर गाइस, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट बनना है। फोर क्वेश्चन आज का क्या है, देखिए आप सभी, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था गाइस, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो फोर्थ का राइट है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा गाइस दिया था। अगला प्रश्न देखिए आप सभी गाइस, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना गाइस किस वर्ष की, 1828 में की। सी राइट बनना है यहाँ पर, 1828 में। अगला प्रश्न देखिए आप सभी, क्वेश्चन क्या बनना है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी गाइस कहाँ पर थी, कैपिटल कहाँ पर थी गाइस रणजीत सिंह की। जो जी फ्रेंड्स यहाँ पर राइट बनना है लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी राइट है पर लाहौर में थी। ठीक है, सेवन क्वेश्चन आज का क्या है, कूका आंदोलन को किससे संगठित किया था, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था गाइस। तो सेवन का राइट क्या बनना है यहाँ पर देखिए आप सभी, इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट बनना है। एट क्वेश्चन आज का क्या, जानिए आप सभी, नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कौन था गाइस। एट का राइट है ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक, ए राइट बनना है, प्रथम सुल्तान था गाइस ये। ठीक है, दिल्ली का, इसने ही नहर निर्माण शुरू किया था। ठीक, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए राइट है, गयासुद्दीन तुगलक जी फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक। फ्रेंड्स आप सभी को इसकी पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ मैंने लिंक मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप सभी डाउनलोड करिए। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था गाइस, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। 9 का राइट है ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न देखिए, 10th क्वेश्चन आज का क्या है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, यादव सम्राटों की राजधानी की बात करें, 10th का राइट है देवगिरी, कहाँ थी गाइस, देवगिरी, ऑप्शन नंबर डी राइट बनना है यहाँ पर, देवगिरी। 11th क्वेश्चन आज का क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। 10th क्वेश्चन कंप्लीट होने से भी आगे 11th क्वेश्चन पर राइट है ऑप्शन नंबर सी, तांबा थी, कौन थी गाइस, तांबा थी। 12th क्वेश्चन क्या बना है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण की बात करें तो किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर 12 का निकल रहा है डी, चंदेल राजपूत ने, चंदेल राजपूत ने करवाया था, डी राइट है यहाँ पर। 13 क्वेश्चन आज का क्या है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, विजय स्तंभ की बात करें गाइस कहाँ पर स्थित है, तो 13 का राइट है ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर गाइस, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, याद रखेंगे आप सभी जी फ्रेंड्स। हम सभी आगे 14 क्वेश्चन पे, कनिष्क की राजधानी किस शहर में थी, कनिष्क की राजधानी की बात करें जी फ्रेंड्स, कैपिटल किस शहर में थी, तो 14 का राइट बनना ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर, पुरुषपुर थी। 15 क्वेश्चन क्या है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है गाइस, पुराणों की कुल संख्या की बात करें कितनी है, 18 है, ऑप्शन नंबर ए राइट बनना यहाँ पर, 18। चलिए हम सभी आ गए 16 क्वेश्चन पे गाइस, देखिए सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था, पतन यानी बंदरगाह, पतन का मतलब बंदरगाह कौन सा था गाइस, यानी यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ रहा है 16 का ऑप्शन नंबर बी, लोथल था, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर, लोथल गाइस। ठीक है, 17 क्वेश्चन क्या है, संविधान निर्माता में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान निर्माता में गाइस झंडा समिति की बात करें
अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, राइट टाइम निकल कर आ रहा है, जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर ए राइट है 17 का, जे बी कृपलानी जी फ्रेंड्स, जे बी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। 18 क्वेश्चन क्या बना है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 312 का इस किससे संबंधित है, 18 का राइट है अखिल भारतीय सेवाओं से, ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं से जी फ्रेंड्स। देखिए क्या क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है गाइस, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, 19 का राइट है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट बनना है पर राष्ट्रपति जी फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कर सकते हैं मौलिक अधिकार को निलंबन ठीक। 20 क्वेश्चन क्या है, संसद को भंग करने का करने में कौन सा सक्षम है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताते रहो फ्रेंड्स। मैं बता दूं आप सभी को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो गाइस, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि इस वीडियो का सारे वीडियोज को आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में प्लीज शेयर करिए ठीक, आप सभी लोग शेयर कर दिया करें। तो संसद को भंग करने में कौन सा सक्षम है गाइस, संसद को भंग करने में गाइस कौन सा सक्षम है, तो 20 का राइट क्या बनना है, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ पर है राष्ट्रपति ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या है, और प्लीज आप सभी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताते रहो, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, किसका गाइस पदेन सभापति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सी राइट यहाँ पर राज्यसभा। देखिए फ्रेंड्स क्या क्वेश्चन बना है, भारत किसका आयात नहीं करता है, आयात मतलब कौन सी चीज ग्रहण नहीं करता विदेशियों द्वारा आने में, भारत में कौन सी चीज वो नहीं लेता है भारत, वो बताना है ठीक है सिंपली, तो भारत कौन सी चीज नहीं लेता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर निकल कर रहा है 22 का, ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। और निर्यात मतलब भारत द्वारा भेजी गई विदेशों में कोई चीजें, और विदेशों तो द्वारा आई भारत में कोई चीजें मतलब होता है आयात ठीक है। 22 का राइट है ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क जी फ्रेंड्स, लौह अयस्क राइट है। 23 क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 क्वेश्चन क्या बना है, औद्योगिक क्रांति, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई, पहली औद्योगिक यानी फर्स्ट इंडस्ट्रियल क्रांति किस देश में हुई गाइस, 23 का राइट क्या बना, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी राइट यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में हुई। 24 क्वेश्चन आज का क्या है, सड़कों की लंबाई के हिसाब से विश्व का कौन सा स्थान है, भारत में कौन सा स्थान है गाइस, भारत का कौन सा स्थान है विश्व में सड़कों की लंबाई के हिसाब से, तो 24 का राइट क्या बनना है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा है, पहला कौन सा है गाइस, तो कौन सा देश है सड़कों की लंबाई के हिसाब से, बताइए आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइए कि सर सड़कों की लंबाई के हिसाब से पहला देश अमेरिका है, चीन है, भारत है, सॉरी भारत तो दूसरा ही है ठीक है, और भी देश है तो आप सभी बताइए ठीक है। चलते हम सभी आगे 25 क्वेश्चन पे, देखिए आप सभी, नॉर्वे में अर्ध रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है गाइस, ये तो सभी क्वेश्चन पता है, नॉर्वे देश है उसमें अर्ध रास्ते में भी सूर्य दिखाई देता है ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी जाने ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन किस डेट को दिखाई देता है वो जानिए आप सभी ठीक है। 25 का राइट है ऑप्शन नंबर सी 21 जून को केवल दिखाई पड़ता है, यानी पर डे थोड़ी दिखाई देता, 21 जून को अर्धरात्रि को या मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है 21 जून को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट बनना है जी फ्रेंड्स 21 जून को ओके। 25 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ हम सभी आगे 26 क्वेश्चन पे, सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा, सौरमंडल का गाइस ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी जितना बड़ा हो, तो 16 का राइट है ऑप्शन नंबर सी शुक्र, शुक्र यहाँ पर राइट है, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है शुक्र को, भोर का तारा, शाम का तारा ठीक है, इस सभी को बोला जाता है, चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। 27 क्वेश्चन आज का क्या है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है गाइस, 27 का राइट बनना है ऑप्शन नंबर सी निकिल, ऑप्शन नंबर सी राइट है पर निकिल ठीक गाइस कंप्लीट हुआ। और देखिए क्या क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन आज का क्या है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी, अक्षांशों की बात कर रहे हैं हम सभी ठीक है, अक्षांशों की संख्या की बात करें गाइस, ऑप्शन नंबर सी 179 है, 179 ठीक गाइस याद रखेंगे आप सभी। 29 क्वेश्चन आज का क्या है, सीस्मोग्राफ में किसका अध्ययन किया जाता है, सीस्मोग्राफ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन इसमें आ गया है ठीक है, सीस्मोग्राफ का या सीस्मोग्राफ में किसका अध्ययन गाइस किया जाता है, 29 का राइट बनना है ऑप्शन नंबर बी भूकंप का, किसका गाइस भूकंप का, ऑप्शन नंबर जी फ्रेंड्स भूकंप का अध्ययन किया जाता है सीस्मोग्राफ में ठीक है। 29 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, हम सभी आगे 30 क्वेश्चन पे गाइस आज के, विश्व का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी, विश्व के सबसे मीठे पानी की झील की बात करें तो 30 का राइट है ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर झील, कौन सी गाइस, और सबसे गहरी झील बैकाल झील ठीक गाइस, रहते रखेंगे सुपीरियर झील सबसे मीठे पानी की झील है, बी राइट है यहाँ पर। 31 क्वेश्चन आज क्या है, देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो 31 का राइट है वेनेजुएला में, कहाँ पर गाइस वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है,
फ्रेंड्स, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जानिए आप सभी, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एंजिल जलप्रपात, कौन सा? एंजिल जलप्रपात है जो गाइस वेनेजुएला में स्थित है देश में, ठीक है। 32 क्वेश्चन आज का क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है तो कौन सी है? 32 का राइट बना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर, स्वेज नहर है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम सभी गाइस, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर गाइस स्थित है? तो 33 का राइट बना ऑप्शन नंबर ए, जामेजी नदी पर। आज के ये भी कंप्लीट हुए 33 क्वेश्चन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।